बारी मुस्लिम दोनों में आता है। सैयदा आयशा कहती हैं कि मैं हुजूर की बीवियों में से किसी पे इतना हसद नहीं करती थी, रश्क उर्दू में कह लें, जितना खदीजा पे, हालांकि मैंने खदीजा को देखा नहीं हुआ, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि उनकी वफात के बाद भी जब भी कोई जानवर कुर्बान करते तो हजरत खदीजा की सहेलियों को भी गोश्त गिफ्ट के तौर पर भेजा करते। बाद में उसने सलूक हजरत खदीजा की सहेलियों के साथ, और मैं कहती थी यार सुल्ला आप खदीजा के साथ इतना करते हैं गोया खदीजा जैसी कोई औरत ही नहीं है। तो आपने फरमाया हां खदीजा जैसी कोई नहीं मिली, उसने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया और मेरी सारी औलाद भी खदीजा से। एक हजरत इब्राहिम पैदा हुए मारिया किबतिया से, वो भी फौत हो गए। बाकी नबी इस्लाम की अपनी चार बेटियां और बाकी दो साहबजादे हजरत खदीजा से सलामुल्लाह अलैहा व अलैहिस्सलाम। बल्कि हजरत अबू हुरैरा कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी मुस्लिम दोनों में, कि एक दफा हजरत खदीजा जो है वो सालन पका के खाना नबी अलैहिस्सलाम के लिए लेके आ रही थी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें खुद ये बात सुनाई कि उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मुझे कहा कि आपकी बीवी जो है ना आपके लिए खाना लेके आ रही है, और उस बीवी से आपने कहना है कि अल्लाह ताला उस पे सलाम भेजता है और जिब्राइल भी सलाम भेजते हैं। सर आप इमेजिन कर सकते हैं किसी शख्स को ये बताया जाए कि अल्लाह ताला ने आपकी तरफ सलाम भेजा है, आप तो जनाब बुजुर्गों के सलाम के लिए तरस रहे होते हैं। तो हजरत खदीजा जब वो खाना लेके हुजूर के सामने रखा तो आपने उसमें फरमाया कि अल्लाह ताला ने तेरे लिए सलाम भिजवाया और जिब्राइल ने सलाम। ये हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में, और वो हदीस बड़ी दिक्कत अंगेज है जी।